नगरपालिका प्रशासन के द्वारा बारिश पूर्व चलाए जा रहे स्वच्छता महाअभियान के तहत 7 जून को वार्ड नंबर 24 में नाले नालियों की सफाई की गई। इस दौरान वार्ड नंबर 24 में 305 परिवारों को भू अधिकार पत्रक देने के लिए आयोग अध्यक्ष गौरी शंकर बिसेन ने अनुविभागीय अधिकारी को निर्देशित किया। बताया गया कि यहाँ पर अधिकांश लोग जल संसाधन विभाग की भूमि पर काबिज है, इन परिवारों के पास आवासीय भूखंड के पट्टे नहीं है। इसी को लेकर आयोग अध्यक्ष ने जल्द से जल्द सभी परिवारों को पट्टा देने के लिए निर्देशित किया है। वही देखने में आया कि मांस विक्रेताओं के द्वारा बचे हुए मांस के अवशेषों को नाले में बहाया जा रहा है, जिससे वार्ड नंबर 24 के नाले नालियों में गंदगी फैल रही है। नगरपालिका अध्यक्ष ने अधिकारियों से कहा है कि सार्वजनिक स्थानों पर मांस विक्रय पर कड़ाई से प्रतिबंध लगाए और दुकानों से निकलने वाले अवशेषों का निस्तारण कहाँ और कैसे हो सकता है इसकी जानकारी जुटाए। महास्वच्छता अभियान के दौरान जो पूरे शहर में आने वाली बारिश को लेके जो सफाई और तैयारियां चल रही हैं, उसमें आज वार्ड नंबर 24 में हमने यहाँ जो एक रहवासी एरिया है इसके बीच से जो एक नाला होके जाता है उसमें हमारे स्वच्छता कर्मी सुबह से काम कर रहे हैं। और जहाँ नाले सफाई को हम देखें तो इसमें ज़्यादातर पॉलीथीन और पानी की बॉटलें निकल रही हैं, जो कि पानी को अवरुद्ध करते हैं और जल प्रवाह में दिक्कत पैदा करते हैं। जहाँ पूरे शहर में नाला और नाली की सफाई का काम जोरों पर है, वहीं वार्ड नंबर 24 के रहवासियों की भी ये सबसे बड़ी समस्या है कि पानी का रुकाव हो जाता है, पॉलीथीन फंस जाती है। तो हमने यहाँ निवेदन किए अपने सभी नागरिकों से कि वे पॉलीथीन का यूज ना करें और जो भी उनके घर का कचरा निकलता है वो कचरा गाड़ी में ही डालें, नाला और नाली में ना फेंकें।